एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक बिलारी स्थित शेरपुर माफी गांव पहुंची। लगभग 3500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनता यह गांव प्रधान गुलनास जहां के हाथों में है। इस गांव में कुल वोटर संख्या 1800 है तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या लगभग 355 बताई गई। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनके द्वारा गांव में सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, इसी के साथ पथ प्रकाशन के लिए सोलर लाइटें भी लगवाई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों को आवास भी वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति करने के लिए लगभग 27 हैंडपंप भी उनके द्वारा लगवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि गांव में प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त कराने के उद्देश्य से उन्होंने 54 बिजली के पोल व 4 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए हैं। बात अगर शिक्षा की करें तो इस गांव में जूनियर हाईस्कूल नदाराधीन दिखा, वहीं प्राइमरी हाईस्कूलों में लगभग 134 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आए। गांव में सरकार द्वारा भेजे जाने वाले सभी तरीके के लाभों से ग्रामीण भी लाभान्वित होते दिखाई दिए तथा खासा खुश भी नजर आते हैं। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में शिक्षा की स्थिति बेहतर करी जाए, जिसके लिए उन्होंने जूनियर पाठशाला बनवाने की गांव में मांग की है। उन्होंने बताया कि गांव में पानी की टंकी की भी कमी है, साथ ही साथ बारातघर, पंचायत घर व शमशान घाट की भी गांव को बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्रामीणों ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से राज्य सरकार व केंद्र सरकार को बताया कि गांव में प्रधान द्वारा कार्य बहुत अच्छे से कराया जा रहा है, सरकार जल्द से जल्द फंड दुरुस्त कराए जिससे प्रधान रुका हुआ विकास कार्य तेजी से करा सके। ग्राम शेरपुर माफी ग्राम प्रधान बोलना चाहूँ मैं, मोहम्मद गुफरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, और मेरे यहाँ विकास कार्य 6 टाइल्स कार्य हो चुके हैं, 1 खड़ंजा हो चुका है, 51 शौचालय बनवा दिए हैं और 35 आवास यहाँ बन चुके हैं, 10 पेंडिंग में वो हो जाएंगे। और मेरे यहाँ जो परेशानी है वो है शमशान घाट नंबर 2 जूनियर हाई स्कूल, जिसमें लड़कियाँ हमारे गांव के बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, वो बाहर ना जाकर मुस्लिम बच्चे यहीं पढ़ें तो बेहतर है। और नंबर 3 हमारे यहाँ पंचायत घर नहीं है, वहाँ पर गंदगी रहती है, अगर वहाँ पंचायत घर बन जाए तो वहाँ गंदगी भी साफ़ हो जाएगी, गांव का विकास भी होगा। नंबर 4 हमारे यहाँ पानी की टंकी का प्रस्ताव होना बहुत ज़रूरी है, जिससे सरकारी नल समरसेबल की वजह से ख़राब रहते हैं, अधिकतर परेशानी आती है, इतना पैसा नहीं कि उसमें रिवोरिंग बार बार करा दिया जाए, इसलिए पानी का प्रस्ताव होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 एक पंचायत घर के बाद एक शादी घर भी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। मैं डिमांड करता हूँ कि हमारे यहाँ अगर पानी की टंकी की व्यवस्था हो जाए तो हमारे यहाँ जो सरकारी नल आए दिन खराब रहते हैं, जिससे निधि में लॉस पड़ता है, जो कार्य रुक जाता है कराने से गांव का सड़कों का, अगर रिपोर्टिंग कराएं तो कम से कम 26-25 हज़ार में बैठता है। अगर उसी जगह पानी की टंकी का प्रस्ताव कर दिया जाए तो वो नलों की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि बराबर में घरों के समरसेबल ज़्यादा है, इसलिए पानी नीचे हो जाता है। मेरा नाम शमशाद हुसैन है, ग्राम शेरपुर माफी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जो कार्य में काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो होने ज़रूरी हैं, जिससे ज़्यादा परेशानी आती है, जैसे पानी की टंकी है, शमशान घाट है, बारात घर है, ये बनना बहुत ज़रूरी है। जूनियर हाई स्कूल बनना ज़रूरी है, क्योंकि मुस्लिम बच्चे उसमें पढ़ सकें, मतलब जो बच्चे बाहर जाते हैं उन्हें परेशानी होती है, हमारा सारा मुस्लिम गांव है, लड़की इधर उधर पढ़ने जाती है उससे ज़्यादा परेशानी होती है। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, तहसील प्रधान बने, विकास अच्छा हो रहा, जो परेशानी है पानी की वो आपको इन्होंने भी बताया, और ये पानी की ज़रूरी है, और जो शमशान घाट है वो भी ज़रूरी है।